अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जिस जगह पर आई हूँ वह जगह काफ़ी खूबसूरत है, और सबसे स्पेशल बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स की जो है ना वो आउटलेट्स हैं। जी, तो यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले जो है वो मेरी नज़र पड़ी गैप की आउटलेट पर। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी थी कि जी अंदर किड्स कलेक्शन भी काफ़ी होगी और ऑफर होगी। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले ये रैक मुझे नज़र आया जिस पर 40% ऑफ था। तो फिर मैंने पूरी शॉप में जो है ना नज़र घुमाई कि किधर है किड्स कलेक्शन, किधर हैंग हुई भी है। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी वो लास्ट पर जो है ना सबसे एंड पर किड्स कलेक्शन थी। तो मैं पहुंची वहाँ पे तो सबसे पहले 4 से 16 ईयर गर्ल्स की जो है ना कलेक्शन मुझे नज़र आई। काफ़ी ब्राइट और काफ़ी अच्छी थी ये कलेक्शन देखकर मैं सोच रही थी कि बॉयज़ की भी ऐसी ही शानदार सी अच्छी अच्छी कलेक्शन होगी। लेकिन जैसे ही मैं बॉयज़ के जो है सेक्शन में पहुंची तो मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि हुज़ैफ़ा का एक भी साइज़ जो है ना अवेलेबल नहीं था। सब बड़े बच्चों के थे। तो काफ़ी मैंने देखा, कोशिश की कि कोई एक टी शर्ट भी मिल जाए। यहाँ पे मुझे ये एक शर्ट नज़र आई लेकिन ये भी साइज़ में काफ़ी छोटी थी, तो फिर नहीं मिली हुज़ैफ़ा के लिए। यहाँ पे फिर ज़ाहिद ने अपने लिए एक टी शर्ट ली, तो फिर हम यहाँ से बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर आए हैं तो आँखों को एक अच्छा सा नज़ारा नज़र आया। सिटिंग एरिया बना हुआ था काफ़ी अच्छा। हाँ, हुज़ैफ़ा ने पानी में काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन असल इंजॉयमेंट तो यहाँ से हुज़ैफ़ा को उठाने के बाद शुरू हुई थी, जो कि आप आगे क्लिप में देखेंगे। फिर यहाँ से हुज़ैफ़ा को ज़बरदस्ती उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो काफ़ी रोने के बाद हुज़ैफ़ा अब इस पर इंजॉय कर रहा था, खुश था काफ़ी। गैस की आउटलेट पर एंटर होते ही काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बैग्स नज़र आए। ऑलमोस्ट सभी कलर थे, खूबसूरत थी कलेक्शन काफ़ी। ये बैग, ब्लैक बैग बहुत खूबसूरत था, और उसके बाद इन पर ऑफ था, उस पर ऑफ नहीं था ब्लैक वाले पर। लेकिन जिन पर ऑफ था वो कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी, लेकिन जो न्यू अराइवल थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। इस टाइम पर धूप की वजह से काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, लेकिन आगे जाके मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था शाम के टाइम। गुच्ची की आउटलेट है। जी, तो यहाँ पे इसने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई हुई थी, जिसमें इसका एक बाहर एक गार्डन भी था, और काफ़ी चीज़ें इसने अच्छा सेटअप किया हुआ था सारा। धूप भी डायरेक्ट इसको पड़ रही थी, काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। मौसम चेक करें, बहुत अच्छा हो गया मौसम। चलें जी, इसी के साथ जो है आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।